I have a magic trick, and through that magic trick, I can vanish literally folio in 1 minute. अच्छा मैजिक का एक उसूल होता है, वो दोबारा नहीं दिखाया जाता, राइट? क्योंकि दोबारा दिखा देंगे तो पोल खुल जाएगी. इसलिए आज भी मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा. फिर आप बोलेंगे कि यार मैं ढंग से दिखा, एक बार फिर दिखाओ, तो मैं नहीं मानने वाला बात, राइट? सो यू हैव ओनली वन चांस टू सी, राइट? फिर चाहे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करें या आप अपनी आंखों को खोल कर देखें, लेकिन देखने को एक ही बार मिलने वाला है, राइट? अब देखिए 1955, यहाँ जो है ना 1955 है, इसके अराउंड पोलियो आया था, पोलियो वैक्सीन आया था, सॉरी, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1955 में हुआ था. और उसके बाद जैसे जैसे वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता गया, वैसे वैसे पोलियो का जो ग्राफ है वो एकदम चला गया, और फिर धीरे धीरे वो जीरो हो गया. यानी कि दुनिया में अब पोलियो ना के बराबर है, राइट? ये देखिए यहाँ पे, ये है बिफोर वैक्सीनेशन टाइम एंड ये है आफ्टर वैक्सीनेशन टाइम. ये है वैक्सीन के इन्वेंशन से पहले, ये है वैक्सीन के इन्वेंशन के बाद. तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जैसे पोलियो वैक्सीन आया वैसे वैसे दुनिया से पोलियो गायब हो गया, दिख रहा है ना, राइट? लेकिन ये दिख रहा है, और ये जो टाइम है यहाँ पीक पे जब पोलियो था तो कितना था, हर 1 लाख लोगों में हर साल 20 नए पोलियो पेशेंट का जुड़ना, हर 1 लाख में 20 नए, ठीक है ना? इस बार 1 लाख में 20 नए, अगली बार फिर 20 नए, इस तरह से, दैट वॉज द रेट. अब ये मेरे पास जो आलू देख रहे हैं आप, ये है आलू प्याज मेथड टू वैनिश पोलियो. ये जो आलू है ये है हमारी जनसंख्या, और इसमें जो प्याज है थोड़े बहुत, ये हैं पोलियोग्रस्त लोग. कितने? 1 लाख में 20. ये 1 लाख में 20 हैं, तो 20 से मुझे कम करना है, पोलियो को जीरो पे लाना है. 20 हैं, ठीक है ना? हर 1 लाख में 20 हैं, इसको कम करते करते आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो, राइट? तभी जीरो होगा. जीरो कैसे होगा? अब क्या किया इन्होंने कि जब पोलियो वैक्सीन आया तब एक चीज़ और आई, डायग्नोसिस ऑफ पोलियो. 1955 से पहले पोलियो का मतलब था कोई भी इंसान जो पैरालिसिस हो गया, जिसको दैट इज कॉल्ड पोलियो. एक ही डेफिनेशन थी, किसी भी इंसान का पैर में पैरालिसिस हो गया, लिम पैरालिसिस हो गया, तो उसको पोलियो कैटेगराइज कर दिया. लेकिन जब वैक्सीन आया तो ये भी आया कि वे डायग्नोस तो करें कि ये जो पैरालिसिस है ये पोलियो वायरस की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से है. तो द डायग्नोसिस केम व्हेन द वैक्सीन केम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो डायग्नोसिस कब आया? 1955, एक ही टाइम पे आया दोनों. तो 1955 में डायग्नोसिस आया, पोलियो वैक्सीन लगाया गया, और लगाने के 1 साल बाद देखा कि अब देखते हैं कि क्या पोलियो वाले लोगों की तादाद कम हुई. तो देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको प्याज जो है ना, ये पैरालिसिस वाले लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है. तो कहा लाओ इनको जरा डायग्नोस करके देखते हैं. तो डायग्नोस करके देखा, कहा कि ये जो लोग हैं इनको पैरालिसिस तो है लेकिन ये पोलियो की वजह से नहीं है, ये इको वायरस की वजह से है, ये कॉक्साकिया वायरस की वजह से है, ये मेनिनजाइटिस की वायरस की वजह से है. तो पोलियो वायरस जो था, पोलियो वैक्सीन जो था, वो तो पोलियो वायरस के लिए था ना, तो इनको तो नहीं बचा सकता ना, तो इनको तो पॉपुलेशन हटा दो. इट इज़ अ पैरालिसिस पेशेंट बट नॉट पोलियो पेशेंट, ठीक है ना? तो अच्छा इनको देखते हैं, या इसको भी डायग्नोस किया गया. तो डायग्नोस करके देखा गया, ये जो है ये पैरालिसिस तो है लेकिन दिस पैरालिसिस इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना? तो ये भी पोलियो की वजह से नहीं है, तो पोलियो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है इसमें भी, ठीक है ना? तो अब थोड़े बहुत और बच गए, ये खूब सारे बच गए, और ये भी पैरालिसिस के लोग हैं, इनको डायग्नोस करते हैं. तो डायग्नोस करके इनको एक नाम दे दिया कि ये कुछ भी नहीं मिला, तो एक नाम दे दिया नया, दैट नेम इज़ AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस. कि ये पोलियो के पेशेंट नहीं है, ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के पेशेंट हैं. तो अब जो लोग हैं ये सारे हेल्दी लोग हैं, तो यानी कि वैक्सीन आया तो पोलियो ज़ीरो हो गया. वैक्सीन ने पैरालिसिस को जीरो करने का प्रॉमिस नहीं किया, पोलियो को जीरो करने का प्रॉमिस कर दिया. आप बोलेंगे ये, अरे भाई ये तो भाई पैरालिसिस के पेशेंट है ना, पोलियो के पेशेंट थोड़ा है. तो दुनिया में पैरालिसिस उतना ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अब इसमें से मैं इसको उठाता हूं कि ये जो तादाद है, ये कॉक्स वायरस, आपको एक टेक्निकल नाम बता देंगे, कॉक्साकिया वायरस, इको वायरस, मेनिनजाइटिस, बड़े बड़े नाम बता देंगे. तो ये सब वायरस क्या है,
ये सारे वायरस एक ग्रुप में आते हैं जैसे कहते हैं एंटेरो वायरस. कितने हैं टोटल? 88 तरह के एंटेरो वायरस है एंड वन ऑफ देम इज पोलियो. 88 तरह के एंटेरो एक ही फैमिली के लोग हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? पोलियो. तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन उन 88 में से एक को प्रोटेक्ट करने के लिए है और बाकी 87 कुछ पता नहीं, राइट? तो हमें लग रहा है कि हम तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन असलियत क्या है कि जो नंबर ऑफ पैरालाइज पेशेंट आर सेम. अब बोल रहे हैं कि एंटेरो वायरस इज द होल फैमिली एंड पोलियो वायरस, कॉक्स वायरस, इको वायरस आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट? अब ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ कि कुत्ते आपको नहीं काटेंगे, ठीक है ना? आप मुझे पैसा दो और कुत्ते नहीं काटेंगे, दैट इज माई गारंटी. फिर एक दिन कुत्ते ने काटा आपको, आपने बोला कि देखो कुत्ते ने काट लिया. मैंने कहा लाओ जरा दिखाओ कुत्ते. नहीं नहीं, ये तो बुलडॉग है, बुलडॉग के लिए नहीं बोला था मैंने. नहीं नहीं, ये तो जर्मन शेफर्ड है, ये नहीं, मैंने कुत्ता बोला था, स्ट्रीट डॉग. तो अल्टीमेटली है कि सारे कुत्तों में जो स्ट्रीट वाला डॉग होगा और हमारे हिसाब से स्ट्रीट डॉग है तो ही मैं मानूंगा उसको. बाकी बुलडॉग काटे, एलसीसी काटे, वो मेरा रोल नहीं है. थैंक यू, थैंक यू.